टुडे 1st July एंड क्लास 10 वी विल स्टार्ट द लेक्चर फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पेज नंबर 61 लुक एट द फ्लो चार्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देर आर टू मेन सोर्सेज एनिमल एंड प्लांट्स एनिमल सोर्स फैट एंड प्रोटीन प्लांट लाइव प्लांट और डेड प्लांट लाइव प्लांट से हमें क्या हासिल हो रहा है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन ऑयल्स डेड प्लांट से हमें हासिल हो रहा है कोल गैस पेट्रोलियम और फैट पर एनिमल सोर्सेज पे आ जाए प्रोटीन प्रोटीन के सोर्सेज कौन कौन से हमारे पास एग मटन चिकन बीफ फिश फैट के सोर्स हमारे पास कौन कौन से हैं मिल्क बटर चीज़ कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज कौन कौन से हैं वीट मेज पोटैटो बॉर्ले राइस वीट गंदम को कहते हैं मेज मकई को पोटैटो आलू को बॉर्ले जौ को कहते हैं गंदम की तरह का ही गंदम के प्लांट्स के साथ ही उगता है राइस चावलों कहते हैं पल्स प्रोटीन का सोर्स हमारे पास क्या क्या है प्रोटीन का हमारे पास सोर्स है पल्स और बीन बीन दालों को कहते हैं पल्स भी दालें ही होती हैं विटामिन एप्पल ऑरेंज बनाना ऑयल ऑयल की कैटेगरी चेक करें पाम ऑयल ओलिविया ऑयल सोयाबीन ये भी प्लांट्स से हासिल होता है और डेड प्लांट्स में कोल पेट्रोलियम और गैस तो ये सारे के सारे वो सोर्सेज हैं जो हमें किससे हासिल होते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ये सोर्सेज हैं ये एनिमल्स के लिहाजा से एम सी क्यूज के लिए देखने हैं और प्लांट्स के लिहाजा से नेक्स्ट है कोल व्हाट इज़ कोल कोल इज़ अ ब्लैक कम्प्लेक्स मिक्सर ऑफ कंपाउंड हाइड्रोजन एंड देयर एंड ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो कम्प्लेक्स मिक्सर होता है उसको हमको क्या कहते हैं कोल थोड़ी सी इसमें नाइट्रोजन और सल्फर की भी परसेंटेज मौजूद होती है नेक्स्ट है कि कोल कोल कैसे बना कोल वाज फॉर्म बाय डीकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट बरिड अंडर अर्थ क्रस्ट ऑफ ईयर अगो सालों पहले डेड प्लांट जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे उनकी डीकम्पोजिशन से कोल बना नेक्स्ट डेफिनेशन है कार्बोनाइजेशन की कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन इट्स वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस इट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर लो प्रेशर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट आते हैं वुड में 40% कार्बन होती है और आगे इसका जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ कोल पहली टाइप्स है पीट इट 60% कार्बन इसमें होती है इट्स इंटीरियर क्वालिटी कोल यूज इन किलन ये चिल्हों में यूज़ होती है लिग्नेट पावर स्टेशन पर यूज़ होती हैं बाइटोनमस हाउस होल्ड कोल में जो गर्म जो कोल है उसमें भी यूज होती हैं एंथ्रासाइट हार्ड कोल डैट इज़ यूज इंडस्ट्री है वो कोल है जो इंडस्ट्री में यूज़ होती है इसकी परसेंटेज कितनी होती है 90% लास्ट डेफिनेशन है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ इट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के जब कोयले को हम बहुत ज़्यादा हीट दे के जलाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन